ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबा और इसके मराहिल। जैसे जैसे पंचायती राज अदारे बाख्तियार हो रहे हैं, हमारे मुल्क के देहात का चेहरा बदल रहा है। आज शहरों के साथ साथ देहात भी तरक्की कर रहे हैं। आज किसी भी लिहाज से देहात शहरों से पीछे नहीं है। रोजगार के बहुत से दूसरे जराए गांव में ही दस्तयाब हो गए हैं। ये कमाल GPDP यानी ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबों का कमाल है। आज पंचायती राज की मदद से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांव-गांव में GPDP का काम हो रहा है। GPDP के तहत दस्तयाब वसाइल को शराकती अमल के जरिए माशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम ग्राम पंचायत का तरक्याती मंसूबा कह सकते हैं। GPDP की जरूरत। किसी भी दूसरे अदारे, तंजीम या ग्रुप की तरह पंचायतों को भी हर सतह पर मुयस्सर GPDP के जरिए पंचायतें मुकामी सतह पर मंसूबा बंदी की जरूरत है। बहुत सी स्कीमें चलाई जाती हैं जिनके बहुत से फायदे हैं, जैसे GPDP पंचायतों को बेहतर सिमत फराहम करता है, GPDP वसाइल के सही इस्तेमाल की तरफ ले जाता है, GPDP मकामी मसाइल को हल करता है, GPDP पंचायत बजट बनाने में मददगार है, GPDP सामाजिक और अक्तसादी मसावात लाता है, बेहतर मंसूबा बंदी पंचायत की सतह पर जमहूरियत को मजबूत करती है। इस एनिमेशन की मदद से GPDP के प्लान साइकिल को समझते हैं। माहौलियात की तख्लीक, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बुनियादी और सानवी डेटा का रिकॉर्ड, हालात का तज्जिया, ग्राम सभा की मीटिंग, वसाइल की शिनाख्त, GPDP की मंजूरी, निगरानी, माहौल की तख्लीक। पंचायतें अपने मकासद को हासिल करने के लिए माहौल साजी की मंसूबा बंदी भी करती हैं। माहौलियात की तख्लीक के तहत पंचायत के नुमाइंदे बाहमी ताउवुन के साथ कौमी मसाइल उठाते हैं, उस पर गौर करते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए दर्जा जेल तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे तमाम लोगों को खत लिखकर ग्राम पंचायत तरक्याती मंसूबा में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाती है, लाउड स्पीकर पर ऐलान करके जरूरी इकदामात किए जा सकते हैं, रैलियों के जरिए लोगों को आगाह किया जाता है, मकामी लोक ड्रामे, लोक फनून इस्तेमाल होते हैं, बैनर्स और पोस्टर्स लगाकर लोगों को जरूरी मालूमात फराहम की जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से मुहिम चलाई जाती है, लोगों के ग्रुपों को खतूत लिखे जाते हैं ताकि वो स्कीमों के मुख्तलिफ मराहिल में अपना हिस्सा ले सकें। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों को आपस में जोड़कर और मुआशरे की बेहतरी के लिए लोगों को आगाह करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके फोकल पॉइंट्स मंदरजा जेल हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का रिकॉर्ड GPDP प्लानिंग की तरक्की के लिए जरूरी है।
कि तमाम डेटा को दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए किसी भी किस्म की गलती से बचने के लिए GPDP के तहत बुनियादी और शनूई डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। प्राइमरी डेटा से मुराद बुनियादी डेटा है। ये वो अदाद शुमार हैं जो पहली बार जमा किए गए हैं। सेकेंडरी डेटा से मुराद शनूई डेटा है। ये वो डेटा है जो पहले ही किसी और के जरिए जमा किया जा चुका है। हालात का तज्जिया। हालात के तज्जिये का मतलब है किसी खास सूरत हाल से वाबस्ता तमाम आवाम की शनाख्त और तशखीस। हालात का तज्जिया अगर मुआशरे की तरक्की से इस्तेमाल किया जाए तो मालूमाती खसारे को कम कर सकता है और तरक्की को तेज कर सकता है। ग्राम सभा की मीटिंग। GPDP तरक्याती मंसूबे के लिए जरूरी है कि ग्राम सभा की मीटिंग वक्ता फवक्ता मुनाकिद की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। GPDP के तहत चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। वसाइल की शिनाख्त। किसी भी मंसूबे की कामयाबी का इंकसार वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल पर होता है। GPDP के तहत जरूरी है कि अपने इलाके के वसाइल को इस तरह शिनाख्त करके इस्तेमाल किया जाए कि इसके मुआशी और समाजी फवायद हासिल हों। GPDP की मंजूरी। सभी कामों को मुकम्मल करने के बाद GPDP के मंसूबों के तहत किए जाने वाले कामों की मंजूरी दी जाती है। तरक्की कामों के लिए जरूरी है कि सभी मतबादलात का मुआजना करने के बाद GPDP के तहत सही ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। एक अच्छा ऑप्शन वो है जिससे कोई भी काम आसानी से हो जाए। सही इंतखाब इक्तसादी और कामों को मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद करता है। इस बात पर तवज्जो दे कि कौन सा ऑप्शन पंचायत को मुआशी और समाजी तौर पर मजबूत बनाने में मददगार है। निगरानी। मंसूबा बंदी के बाद अब बारी है कि GPDP के तहत होने वाले कामों की निगरानी की जाए और फैसला किया जाए कि जमीनी सतह पर इस पर कैसे अमल किया जा रहा है। ये मतवातर निगरानी और कंट्रोल के लिए जरूरी है। जहन में रहे कि GPDP के तहत मंसूबा बंदी और इस पर अमल करना जरूरी है। GPDP के तहत सही मंसूबा बनाएं, गांव की तरक्की में हमारा साथ निभाएं।